हेलो बच्चों, वेलकम टू तथास्तु क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे आपका एरर एनालिसिस चल रही थी, और एरर एनालिसिस का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। ठीक है, आज हम लोग देखें आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे एंड राउंडिंग ऑफ देखेंगे। ठीक भाई, एंड राउंडिंग ऑफ। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक जैसे हमने बताया कि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को हमने एक थ्रेड से सस्पेंड किया है और ये हमारा बॉब है। तो हमने बताया था कि जैसे कि बॉब का डायमेंशन हमारा किसमें दे रखा है, ये डायमीटर इसका दे रखा है कुछ आपका, मान लीजिए कि दे रखा है कुछ आपका 1.5 सेंटीमीटर टाइप का है, 1.5 सेंटीमीटर टाइप का है। तो डायमीटर को हमने मेजर किया किससे, हमने हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, और हमने जो है लेंथ जो है हमने मिलीमीटर स्केल से मेजर की। डायमीटर को हमने क्या किया, हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है भाई साहब। ठीक है, तो मिलीमीटर स्केल की जो हमने बताया था लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, अभी 1 mm होती है। तो लीस्ट काउंट को हम इस तरह से लिखते हैं। तो सपोज करो कि आपने इसको मेजर किया, तो आपकी जो वैल्यू आई आपकी निकल कितनी आ रही है, 95 पॉइंट हमने बोल दिया कुछ आपकी, जबकि 3 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आई आपकी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हम लोग लीस्ट काउंट से क्या करते हैं, लिखते हैं आपका। ठीक है, उसी तरह से वर्नियर कैलिपर से हमने क्या किया, हमने डायमीटर को नापा, तो डायमीटर हमारा कितना आ रहा है 1.5। और इसमें हम लोग कह सकते हैं एक डिजिट और जा सकते हैं, तो हमने बोला 1.54 कितना आ गया आपका सेंटीमीटर आ गया डायमीटर, प्लस माइनस हमने बोला इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाता है आपका, तो बोलते हो कुछ आपका 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है ना, बस बताने के लिए वर्नियर कैलिपर एक और डिजिट तक नाप सकता है आपका। अब होता क्या है कि जो आप लोग पढ़ेंगे अभी आप लोग फिजिक्स में, तो आपको क्या होना, आपको निकालना होता है एल इफेक्टिव, कि मतलब जो सेंटर ऑफ मास है इस बॉब का, एक सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितना हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका एल इफेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका एल इफेक्टिव। तो वो कितना हो जाता है आपका, जो एल है प्लस आर है, एल है प्लस हमारा कितना आपका आर है, बात समझिएगा। अब देखिए लेंथ को हमने मिलीमीटर स्केल से नापा है, तो हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमें एक्यूरेसी मालूम है, जबकि हमने डायमीटर को हमने क्या नापा है, डायमीटर को हमने जो है आपका वर्नियर कैलिपर से नापा है, डेसिमल के बाद दो दो डिजिट तक हमें एक्यूरेसी उसकी मालूम है। तो हमें इसको ऐड करेंगे, तो एल हमारा कितना हो जा रहा है आपका, 95.3 सेंटीमीटर लिखा हमने आपका। ठीक है, एरर हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले हम लोग इफेक्टिव लेंथ हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं आपका, ये लेंथ हो गई स्ट्रिंग यहाँ तक, उसके बाद जो है ये रेडियस मतलब सेंटर, सेंटर ऑफ द बॉब का डिस्टेंस हमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नापना है, ये एल प्लस ये आपका आर, एल प्लस आर आपका। आर कितना हो जा रहा है, आर आपका हो जाएगा डी बाई टू, आर हो जाएगा कुछ आपका डी बाई टू, तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा आपका ये, तो आप बोलोगे कि हो जाएगा कुछ आपका 0.14। ठीक है, 0.77 सही है क्या गाइस, तुम्हारा जा रहा है 0.77 सेंटीमीटर हमारा रेडियस जा रहा है। अब हो रहा है ये कि इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा कुछ आपका 0.77 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 0.77 सेंटीमीटर आपका ये हो जा रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि अब इन दोनों को ऐड करना है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो रहा है क्या कि ये जो डेटा है अपने पास, ये डेटा इसकी एक्यूरेसी हमें मालूम है डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, जबकि ये जो डेटा है इसमें हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक एक्यूरेसी मालूम है, वो हमें 2 डिजिट तक मालूम है। अब इसको आपने ऐड किया, ऐड करोगे तो 95.3 प्लस 0.77, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आप बोलोगे कि ये 30, तो 7 और 0 हमारा हो जाएगा कुछ आपका 7 ही हो जाएगा आपका, और 7 × 10 0 लिखा, एक यहाँ चला गया, तो 96 पॉइंट कितना हो गया, 0.7 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक, अब बताओ इसमें ये बात है कि ये जो आपने डेटा निकाला है, जो आपने आंसर निकाला है, इसको आपने दो वैल्यूज को यूज करके निकाला है, जिसमें अगर हम अब देखो क्या हो रहा है कि 95.3 के बाद जो है भाई, 95.3 के बाद हम बोल सकते हैं 31 भी हो सकता था, 32 भी हो सकता था, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है, कितने डिजिट हो सकता था आपका, तो मतलब 3 के बाद तो हमें वो वाली वैल्यू मालूम नहीं कि मतलब हमने इसको इसको हमने मिलीमीटर स्केल से मेजर किया है, मिलीमीटर स्केल की आपकी एक्यूरेसी कहाँ तक होती है, 1 mm तक ही होती है, तो 0.3 मतलब क्या हो गया आपका, 3 mm तक आ गया, लेकिन उसके बाद तो नहीं नहीं जा पाया आप नापने, तो इसमें तो मतलब क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक तो एक्यूरेट है, लेकिन डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट जानकर क्या आपकी इनएक्यूरेसी आ गई ना आपकी, हमें नहीं मालूम कि डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट कौन सी इसमें। तो ये डाटा जो है आपका 95.3, हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको 0 ज़ूम करके हमने ऐड कर दिया, 7, 3, 7 और 0 ने 7 कर दिया, ये 30 जरूरी नहीं है, ये आपका क्या हो सकता था 95.3, अब क्या क्या हो सकता था, 95.30 हो सकता था, 0.31 हो सकता था, 0.32 हो सकता था, डॉट 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 क्या 0.39 हो सकता था, हो सकता नहीं हो सकता गाइस, तो हमने इसको 0 क्यों ज़ूम किया, हमने 7 और 0 को 7 0 को हमने 7 ही क्यों लिख दिया, हमें तो नहीं मालूम था कि भाई सेकंड डिजिट पे कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या है, आपका रिजल्ट आपका एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोग बोलते हैं आपका, ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है आपका। ठीक है,
तो हमें क्या होता है, हमें आंसर निकालना होता है कि भाई आपका जो रिजल्ट है ठीक है, तो उसमें हमें खाली वहीं तक वैल्यू हमें बतानी है जहां तक की वैल्यू के ऊपर हमें क्या कॉन्फिडेंस हो, हमें मालूम हो कि यहां तक हमारे रिजल्ट हमारी मेजरमेंट क्या हमारी एक्यूरेट है। तो हमें मालूम है कि इसमें एक्यूरेसी कहां तक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक एक्यूरेसी है, जबकि इसमें क्या है, डेसिमल के बाद दो डिजिट तक एक्यूरेसी है, तो इसमें डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट पे जाएंगे, दूसरी डिजिट पे जाएंगे तो इनएक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, भले हमारे पास इसमें डेसिमल दूसरी डिजिट तक हमें एक्यूरेसी मालूम हो, लेकिन हमें यहाँ नहीं मालूम है, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम लोग आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इस वाले डिजिट को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले डिजिट को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता था, ये वन भी हो सकता था, 2, 3, 4, 9 तक हो सकता था आपका। बात समझ में आ रही है? तो आंसर में हमें वहीं तक की एक्यूरेसी बतानी है जहां तक की एक्यूरेसी हमें 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 एकदम क्लियर हो। तो इसमें तो हमें एक डिजिट तक मालूम था ठीक है, और इसमें हमें दो डिजिट तक मालूम था, तो हम किसका लेते हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट किसका है, खाली हमें एक डिजिट तक मालूम है, तो आंसर में खाली डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हम लोग रिपोर्ट करेंगे। इस वाले डिजिट को हमें क्या करना होता है, इस वाले डिजिट को हमें हटाना होता है, और इसको हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, हटाने को हम लोग बोलते हैं आपका राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, इसे राउंड ऑफ करके हटा दो भाई। बात समझ आ रही है गाइस? ठीक है, और जो तीन डिजिट हमारी एक्यूरेट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हमारे ये क्या आपके, ये हमारे आपके क्या यहाँ पे, ये हमारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमारे आपके क्या हैं, ये हमारे आपके सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस? अरे हाँ की ना, हेलो हेलो हरी, ठीक है, तो फिर से हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वो डिजिट्स होती हैं जिनकी एक्यूरेसी पे हमें क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी बच्चे ने क्या किया, इस लेंथ को नापा किससे, 95.3 सेंटीमीटर नापा, ठीक है, इसने इसको नापा किससे, मिलीमीटर स्केल से नापा, ठीक है, दूसरे बच्चे ने इसकी लेंथ को नापा किससे, नापा, इसने इसकी लेंथ को जो है हमने बोल दिया कि थोड़ा सा और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से नापा, मैं थोड़ा छोटा डाटा ले रहा हूँ, 5.3 सेंटीमीटर ले लिया, और उसको मैं बोल रहा हूँ हमारे को 5.34 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब बताइए कौन सी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है आपके हिसाब से, पहली वाली दूसरी वाली? दूसरी वाली मेजरमेंट हमारी ज्यादा एक्यूरेट है, मानते नहीं मानते, क्यों, क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद दो डिजिट तक हम वैल्यू बता पा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने भी इस मेजरमेंट को लिया है उसने एक ज्यादा सेंसिटिव ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, तभी वो क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद दो डिजिट तक आंसर बता रहा है। कोई बच्चा और आया, उसने क्या किया, इसने भाई ने क्या किया, इसने भाई साहब वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर किया है। कोई तीसरा बच्चा है, उसने क्या किया, इसी लेंथ को मेजर किया तो उसका आ रहा है कुछ 5.342 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसने इसको स्क्रू गेज से मेजर किया है, स्क्रू गेज से। अब बताओ इन तीनों मेजरमेंट सबसे सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है आप बोलेंगे आप? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा बोलिए जल्दी से गाइस। थर्ड वाली थर्ड वाला, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेसिमल के बाद हम लोग तीन डिजिट तक हम लोग जो है मेजर करके बता पा रहे हैं आपका, तो वो वैल्यूज ठीक है, इन्हीं इन्हीं वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या है, हम बोलते हैं कि इसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोलेंगे, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें बोलेंगे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली आपको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, और सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, और सेंसिटिविटी हम क्या कर रहे हैं आपकी बढ़ती जाएगी, तो हम जो है डेसिमल के बाद और डिजिट तक हम क्या कर पाएंगे, रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्या कहते हैं आपका सिग्निफिकेंट का फिगर्स का कंसेप्ट, कि जिन वैल्यूज को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं ठीक है, वो वैल्यूज काउंट होती है किसमें, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपकी काउंट होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके कुछ रूल्स हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करें। ठीक है, बहुत बेसिक रूल्स हैं गाइज, बस आपको रट लेना है। पहली चीज, पहला रूल देखिए क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के रूल्स हैं कुछ आपके। ठीक है, उन रूल्स को आपको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किसी मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, और विश्वास करिए मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है एकदम, इसलिए हम रूल्स को एकदम अच्छे से आपको रटा होना चाहिए आपका। पहला रूल आपका क्या बोलता है, पहला रूल आपका बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सबकी सब हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे हमने कोई वैल्यू ली है 123.56, तो सबकी सब हमारी क्या है, सारी सारी नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब
जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब फिगर्स हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। हम बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, हम बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इस चैप्टर में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 काउंट कर लेंगे, गेमा डेसिमल है आपका, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। जोरिन डेसिमल हो, हमने बोला कि कुछ आपका 1857 दे रखा है कुछ आपका, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके, हम बोला सिंपली आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके, ठीक है। इस पहला रूल, दूसरा रूल क्या बोलता है आपका, दूसरा रूल बोलता है आपका ये हमने बोला कि पहला रूल मान लीजिए, दूसरा रूल बोलता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ठीक है। जीरो लाइंग बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो लाई करेगा, जीरो लाइंग बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। जैसे हम आपसे बोले आपका क्या, हम आपसे बोलते हैं कि सपोज करिए 1, 2, 0, 0, 5, 4, ठीक है, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके। पहली बार नॉन जीरो तुम्हारे सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1, 2, 5, 4 हमारे क्या आपके ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो जीरो है ये तो जीरो हो गया, सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, सिग्निफिकेंट होगा क्यों, क्योंकि ये जीरो किसके बीच लाई कर रहा है, लाइन किसके, लाइन बिटवीन बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट। और देखो इसके राइट में भी क्या है, नॉन जीरो है फाइव, इसके लेफ्ट में भी आपका क्या है, नॉन जीरो है, ये जीरो भी हमारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने फिगर्स हो गए, सबके सब हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम बोले कितने फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इसमें आपके क्या है, 6 है भाई। अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, सही एकदम। और देखिए सपोज करिए कि मैंने बोला कि 2.20056 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, फिर से नॉन जीरो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट हैं, और जो जीरो हैं ये हमारे क्या हो रहे हैं, भले डेसिमल हो चाहे ना हो, ठीक है, ये हमारे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, वे भी काउंट होंगे इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मैं इसको एक और कम कर देता हूँ, कितना हो गया आपका ये 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा आपका भाई, 5 हो जाएगा आपका। तो जीरो लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज काउंटेड एज व्हाट, इज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपका कि लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट, और ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज मतलब क्या होते हैं, जो लीड करते हैं जो नंबर पहले आते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको दे रखा है 00, 2, 3, 0, 5 दे रखा है आपको, अब बताइए इसमें कौन सा जीरो लीडिंग है, जो जीरो क्या कर रहा है, आपको लीड कर रहा है, जो मतलब लीड मतलब जो लीडर पोजीशन पे जो सबसे पहले आ पा रहा है, ये दोनों जीरो हमारे क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये हमेशा क्या होंगे, आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 और ये जीरो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, जबकि ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये हमारे क्या आपके इनसिग्निफिकेंट है, जबकि ये हमारा क्या आपका सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोलेंगे आपके इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है गाइस, ठीक है। तो लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, या इसको ऐसे बोलते हैं कि जो जीरो क्या होते हैं आपके, जो जीरो आपके लेफ्ट में आते हैं, डिजिट्स के लेफ्ट में आते हैं, वो हमेशा क्या काउंट होते हैं आपके, वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो देखिए लेफ्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा था, तो लेफ्ट बोलो चाहे लीडिंग बोलो, उसे हम बोलते हैं कि आपका हमारा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। और देखिए जैसे हम बोल देते हैं आपका 0 पॉइंट दे रखा है, कुछ आपका 0, 0, 2, 3, 2, 3, 0, 7, 5 दे रखा है, कुछ आपका ये दे रखा है। अब देखिए हमारे क्या है, ये जीरोस हमारे क्या हो गए आपके, ये जीरोस हमारे लीडिंग जीरोस हो चुके हैं, चाहे डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में हो, ठीक है, लेफ्ट में है, तो ऑल जीरोस लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर कंसीडर्ड टू बी इनसिग्निफिकेंट। तो ये तीनों तीनों हमारे क्या हो गए आपके, लीडिंग जीरोस कंसीडर किए जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे आपके, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपके, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है आपके ये हमारे आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। ये वाला क्या है, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या काउंट होगा आपका, ये हमारा आपका जीरो काउंट होगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट हो गए आपके, सही गाइस।
तो लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, तो चाहे डेसिमल वाली डिजिट हो, चाहे डेसिमल वाला नंबर हो, चाहे नॉन डेसिमल वाला नंबर हो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा आपका लीडिंग जीरोस या फिर जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज व्हाट इनसिग्निफिकेंट। चलिए बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और देखिए ये हमारा पॉइंट नंबर हो गया था, कुछ आपका थ्री हो गया था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल, हैविंग अ डेसिमल इज व्हाट इज, हम लोग बोलेंगे आपको हो जाएगा कुछ आपका सिग्निफिकेंट, जो जाएगा सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल, कोई नंबर है उसमें डेसिमल है आपका, और ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब जो ट्रेल करता है, ट्रेल मतलब जो क्या होता है पीछे छोड़ जाता है, तो लीडिंग जीरोस क्या होते हैं लीड करते हैं, ट्रेलिंग जीरोस क्या करते हैं आपको जो पीछे छोड़ जाता है, पीछे तरह के नंबर होते हैं, जिसको ऐसे बोल सकते हैं ट्रेलिंग जीरोस को हम बोल सकते हैं कि राइट, राइट में जो नंबर जीरोस होते हैं आपके, राइट में जो नंबर होते हैं, लीडिंग जीरोस को हम क्या बोल सकते हैं आपके जो लेफ्ट में नंबर होते हैं आपके, जो आपके लेफ्ट नंबर होते हैं, तो ट्रेलिंग जीरोस हमारे क्या हो जाते हैं, अगर उस नंबर में क्या डेसिमल है तो क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा, और अगर हम बोलते हैं उसमें डेसिमल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा आपका इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। नंबर हैविंग डेसिमल इज सिग्निफिकेंट व्हाइल, हाँ उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में कर देंगे। जैसे हमने बोल दिया सपोज दे रखा है कि आपका जीरो पॉइंट, आपका जीरो पॉइंट हमने बोला कि आपका 010 दे रखा है भाई साहब, 0.01 दे रखा है, अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें आपके हिसाब से बताएंगे। देखिए टू, वेरी गुड, ये हमारा क्या है लीडिंग जीरो है, ये हमारा क्या है ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, इसमें डेसिमल भी है, डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है, ठीक है, तो बोले ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट हो गए, ये लीडिंग जीरो है भले डेसिमल हो चाहे क्या कहते हैं आपका नॉन डेसिमल नंबर हो, ठीक है, उसमें लीडिंग जीरो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है आपका, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए कुछ आपके दो हो गए आपका, ठीक है क्या, ठीक है। अब हमने बोला किसी ने दे रखा है कुछ आपको, मान लो जीरो पॉइंट दे रखा है कुछ आपका, जीरो जीरो 100 दे रखा है कुछ आपका, ठीक है, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए भाई, थ्री, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट इन नंबर कैरिंग डेसिमल, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा कुछ आपका, तो एक दो तीन, तो हमारे तीन हो गए, ये लीडिंग जीरो हमारे क्या हो जाएंगे आपके इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपके, ठीक। अच्छा अब जैसे मान लो कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आपका कि ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर नॉट हैविंग डेसिमल आर व्हाट आर इनसिग्निफिकेंट, कोई नंबर है उसमें कहते हैं कि डेसिमल नहीं है, उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो हमारा क्या होगा आपका, वो इनसिग्निफिकेंट काउंट होगा आपका, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर नॉट हैविंग डेसिमल, नॉट हैविंग डेसिमल is what is insignificant, telling zeros in a number not having a decimal is insignificant, ठीक है, आपको दिखाते हैं कैसे, decimal नहीं होना चाहिए, decimal नहीं होना चाहिए, जैसे हमने बोल दिया कि हमें दे रखा है कुछ आपको 11540 दे रखा है आपका, अब देखो इसमें इस नंबर में हमारा decimal है क्या गाइस, इस नंबर डेसिमल है क्या, डेसिमल नहीं है, और ये जीरो हमारा कैसा जीरो है, ये हमारा ट्रेलिंग जीरो है, तो ये जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, ये जीरो हमारे क्या हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपके, तो इसको इसमें क्या काउंट करेंगे, हम बोलेंगे बस खाली यही तीन हमारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं, इसको हम सकते हैं कुछ आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो चुके हैं इसमें आपके, हम बोल रहे हैं आपका खाली थ्री हो चुके हैं, इसको कैसे लिखते हैं आपका, इसको ऐसे भी सकते हैं, इसको ऐसे भी सकते हो कि 154 क्या लिख सकते हो कि आपको 10^2 लिख सकते हो, तभी होगा इसमें हो रहा है कितना हो रहा है आपका, तो जब भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस को हम लोग जनरली क्या करते हैं 10^4 का फॉर्म लिख देते हैं, 10^4 का फॉर्म लिख देते हैं, तो मतलब 10^4 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता आपका, 10^4 कभी हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें भी सिग्निफिकेंट हमारा कितना हो गया 3 हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.54 × 10^4 का लिख सकता हूँ आपको बताओ, 10^4 लिख सकता हूँ, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने आपके 3 ही है, ठीक है ना, 1, 2, 3, तो 10^4 कभी हमारी क्या होती है सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होती है, ठीक है, तो 10^10 कभी सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होती है,
नहीं काउंट होती है, ठीक है ना। पावर ऑफ टेन इज नेवर कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट, इज नेवर टेकन टू बी वॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जैसे देखो कि 10 लाख है, 10 लाख हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, 10 लाख हम लोग ले सकते हैं ऐसे ले सकते हैं, 1 10 पावर से सकते हैं, ले सकते हैं भाई साहब। इसको ऐसे ले सकते हैं कि देखो 1.0 10 पावर से सकते हैं भाई साहब, इसको 1.00 10 पावर से ले सकते हैं भाई साहब। हाँ कि ना बताओ, 1 लाख 10 लाख इज वॉट 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 पावर 6, तो 1 10 पावर 6, 1.0 10 पावर 6, 1.00 10 पावर 6। अब बता दो क्या तीनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस सेम है क्या, तीनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग बात करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, इसमें 10 की पावर को तो हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट ही नहीं करते हैं, 1 हमारा क्या हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा। इसमें क्या है, 10 पावर 6 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन 1.0 है, 1.0 है, ठीक है। ये जीरो कैसा जीरो है, ट्रेलिंग है कि मतलब कि लीडिंग है, ट्रेलिंग जीरो है। इसमें डेसिमल है कि नहीं है, इसमें डेसिमल भी है, हमने क्या बताया था आपको, ट्रेलिंग जीरो इज ऑलवेज टेकन टू बी व्हाट, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर कैरिंग अ डेसिमल इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये वाला नंबर, ये वाला जीरो हमारा क्या हो चुका है, सिग्निफिकेंट हो चुका है आपका। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे आपके। तो जानबूझ के जो है, अगर ये इस बात को इस तरह लिखा जाता है कि मतलब भले हमारा मेजरमेंट 1.0 ही आ रहा, 1 ही आ रहा है, लेकिन मैं डेसिमल के बाद एक जीरो लगा के दिखाना चाहता हूँ कि अगर डेसिमल के बाद भी एक डिजिट नापने की जरूरत पड़ी तो मेरा इंस्ट्रूमेंट इस लायक है कि वो डेसिमल के बाद एक डिजिट नाप सकता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट इस लायक नहीं कि वो डेसिमल के बाद एक डिजिट नाप सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं जान मुझके लिख रहा हूँ उसको इस फॉर्म में कि 0.0 मतलब की जरूरत नहीं पड़ी, वैल्यू हमारी 1 आ रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो 1.1 को भी नाप लेता, 1.2 को भी नाप लेता, 1.3 को नाप लेता, ठीक। यहाँ पे क्या है, 1.00 है, 1.00 में क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है, वो मतलब वैल्यू ऐसी आई नहीं, 1 ही आ गई, ये हो सकता है तो 1.23 आती, 1.57 आती, 1.63 आती, कुछ भी वैल्यू आपकी आती, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो इन नंबर कैरिंग डेसिमल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये कितना हो जाएगा इसमें, तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए आपके, 3 हो गए भाई साहब। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ गई, हेलो, यस सर, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि यूनिट कन्वर्जन पे, यूनिट कन्वर्जन पे क्या होता है, कभी भी जो है आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज नहीं होते। अभी कोई आपकी कोई वैल्यू दे रखी है, पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया, इसको कहा जाता है 6 लिख लो, ठीक है, 7 लिख लो, कि 7 लिख सकते हैं कि ऑन चेंजिंग द यूनिट्स, ऑन चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट डज नॉट चेंज, इन अ मेजरमेंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, किसी मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कोई चेंज नहीं होते हैं। तो सपोज करिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो किसी लेंथ को हमने मेजर किया, कितना लेंथ को हमने मेजर किया, मान लो कुछ आपका 85 हमने mm मेजर किया, कुछ आपको 85 mm, तो आप यूनिट हमारी क्या है, मिलीमीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 8.5 सेंटीमीटर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा बताओ, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 ही है कि नहीं भाई साहब, यहाँ भी 2 ही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ आपका, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको भाई साहब, 2 ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.085, सही है क्या, 2 और लगा दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.05 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सेंटीमीटर कितना होता है, 10^-2 मीटर होता है, 10^-2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं आपके, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने आ रहे हैं आपके, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी हमारा कितना है, 2 ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा लीडिंग जीरो हो गया, लीडिंग जीरो और ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे आपका डेसिमल ना हो, ठीक है। इसको और वैसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं कि 85 मिलीमीटर है, इसमें 3 जीरो ऐड कर दो, 85000 कर दिया हमने, ठीक है, 3 जीरो ऐड किए तो 3 जीरो हटाना पड़ेगा, मिलीमीटर है, इंटू क्या कर सकते हो, 10^-6 मीटर कर सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आपका माइक्रोमीटर, माइक्रो 10^-6, 10^-6 इंटू 10^3
इज 10^-3, 10^-3 मिली, सही गाइस। तो माइक्रोमीटर लिख दो, चाहे इसको तुम लोग क्या करते हैं कि माइक्रोमीटर लिख दो, तो इसमें भी कितना आ रहा है आपका। अब देखो फिर से हमने बोला कि इसमें कहते हैं आपका डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो हम बोलेंगे डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे आपके, ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। हम बोलेंगे इसमें अभी भी कितना सिग्निफिकेंट है आपका, दो ही है। और समझ में आ रही गाइस, इसको और क्या कर सकते हो, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो हम लोग ले सकते हैं कि 8.5 × 2 लिया, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10^-5 क्या लिख दिया हमने, किलोमीटर लिख दिया भाई साहब, ठीक है। तो 10 की पावर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, बचता कितना खाली आपको दो ही बचता है, 8 और 5, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, दो ही हैं, ठीक है क्या, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट डज नॉट चेंज, कोई आपने मेजरमेंट ले रखी है तो यूनिट चेंज करने पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस तो ये कुछ रूल्स हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, इस पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, तो आपको बताना होगा भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए बताइए, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताना है। पहला दे रखा है आपको बताना है कि 3.0800, ये सिग्निफिकेंट में लिख रहा हूं, बताते जाओ 0.00418, बताइए भाई 3.0800 कितने, फाइव डेसिमल है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। बताइए भाई, बताइए सर, 3 लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट ना, वेदर वेदर नंबर करिए डेसिमल और नॉट, कितना हो जाएगा 3, वेरी गुड। बताइए भाई 2, वेरी गुड। ट्रेलिंग जीरो इन नंबर नॉट हैविंग अ डेसिमल इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, वेरी गुड। इसका बताओ भाई, इसका 5, वेरी गुड, 5 ही होगा क्योंकि डेसिमल डेसिमल है, ठीक है। और ये सारे जीरो आपके क्या है, ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर कैरिंग अ डेसिमल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। 3 के बाद जो भी जीरो है सबके सब क्या हो गए, ट्रेलिंग जीरोस हो गए, और डेसिमल भी है सबके सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इस बहुत बढ़िया, ये वाला बताओ 5.0030207, 1 2 3 4 5 6 7 सबके सब, वेरी गुड। ये बीच वाला भी सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल है, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इस बहुत बढ़िया, ये वाला बताइए 4, वेरी गुड। 10 किया कोई मतलब नहीं होता, 10 की पावर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, बचता है कितना, डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगाया तो मतलब ट्रेलिंग जीरो इज ऑल्सो व्हाट, सिग्निफिकेंट। तो बीच वाला भी है, ट्रेलिंग वाला भी है, कितने हो गए 4, बताइए 3, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग, देखिए है ना एकदम बच्चों वाला। वैसे छोटे छोटे रूल्स हैं, ये रूल्स आपको रटे रहेंगे, आप बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए क्या होता है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पता बताना आ गया आपको, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि मेरे पास एक पेंडुलम था, पेंडुलम की एक लेंथ थी और बॉब का एक रेडियस था, तो हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी थी, वो क्या थी आपकी L+R थी, ठीक है। तो क्या होता है कई बार सिग्निफिकेंट जब दो मेजरमेंट्स को हमें ऐड करना है, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टिंग वैल्यू आएगी, उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमें वो देखना है आपका,
ठीक है, आपको दिखाता हूं, एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करिए कि देखिए, एक क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया था। पहला क्वेश्चन जो आईआईटी ने शुरुआत की थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आईआईटी में आना स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन कब आया था आपका? जेई 2003 में आया था। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या था, देखिए आपको दिखाते हैं। डैज ऑफ ए क्यूब, मतलब उसके पहले जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी मास्टर को मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मालूम ही नहीं था। जेई ने जो है सिलेबस में डाले सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है अब किसी को आइडिया नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कोई रूल नहीं था मार्केट में, तो लोग पढ़ाते भी नहीं थे। जब क्वेश्चन पेपर आ गया तो उसके हिसाब से फिर लोगों ने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद थ्योरी बनाई, उसके बाद जो है लोगों को पढ़ाना शुरू किया। डैज ऑफ ए क्यूब, ठीक है, इज ए इज इक्वल टू, बोले कि 1.2 × 10⁻²² मीटर होता है, तो इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज क्यूब। आप सब लोग जानते हैं क्यूब के सारे डायमेंशन क्या होते हैं, आपके सारे एजेस सेम होते हैं, ठीक है। एज चार ऑप्शन दे दिए भाई, पहला ऑप्शन दे रहा है कुछ आपका 1.7 × 10⁻⁶ दे रहा है मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कुछ आपको 1.70 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कुछ आपका 1.70 × 10⁻⁷ दे रहा है मीटर क्यूब, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कुछ आपको 1.78 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक। अब क्यूब है भाई, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है कुछ आपको, निकाल देंगे ढक से, ठीक है। तो ए दे रखा है तो ये भी ए होगा, वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम आपका ए क्यूब हो जाता है। एक वैल्यू दे रखी है आपको, कुछ नहीं करना, क्योंकि तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकाल देना है। तो 1.2 कर दिया आपने, 1.2 × 10⁻² कितना कर दिया आपने, −2 कर दिया, इसको आपने क्यूब कर दिया। और 1.2 का आप लोग क्यूब करेंगे कितना आएगा बताओ जल्दी से, आप लोगों को कैलकुलेटर होगा, निकालिए जल्दी से, मैं अभी अपना ले आता हूँ। तो 1.2 का क्यूब करने में कितना आ रहा है सब लोग देखिए जरा सा, तो 1.2 × 1.2 × 1.2 आपका आ जा रहा है 1.728 आ जा रहा है, क्यों सबका ये आ रहा है, सबका आ जा रहा है 1.728 आ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है 1.728 आ जा रही है इन 10⁻³ जो कितना हो जाएगा 6 मीटर क्यूब, सही है। अब फंसा मामला, क्वेश्चन ये तो था नहीं कि भैया आपसे जो है क्यूब पूछा गया किसी क्यूब का, आपको बताना है कि आपका जो करेक्ट आंसर है 1.7 इसमें भी, 1.7 इसमें भी, 1.7 इसमें, 1.7 इसमें भी है, अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। अब देखिए हो कह रहा है कि समझिए बात को, कि जब आपने क्यूब की क्या किया, आपने डायमेंशन को मेजर किया, आपने इसकी लेंथ को मेजर किया, आपने जो भी आपने क्या किया, आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा था, वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद एक डिजिट तक क्या कर रहा था, उसको नाप पा रहा था। जैसे 1.2 × 10⁻² मीटर है आपका, 1.2 × 10⁻² मीटर कितना हो जाता है, जबकि 1.2 सेंटीमीटर ही तो हो गया ना आपका कुछ आपका भाई साहब, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो दिस इज 1.2 सेंटीमीटर, तो बेसिकली किसे नापा गया आपको, 1.2 सेंटीमीटर क्या हो गया, यानी डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक जा रहे हो, ये नहीं तरह से बोल सकते 12 mm हो गया ना आपका, 12 mm हो गया, तो आपने इसको किससे सिंपल नापा, आपने इसको सिंपल मिलीमीटर स्केल से नापा, आपने इसको मिलीमीटर स्केल क्या करती है खाली, हाँ 0.1 mm तक क्या कर सकती है, वो एक्यूरेसी दे पाती है आपकी, ठीक है। तो इसको मिलीमीटर स्केल से नापा भाई 1.2 सेंटीमीटर, अच्छा अब हो रहा है क्या कि तो डेसिमल बाद एक डिजिट तक मिलीमीटर स्केल क्या करती है एक्यूरेटली नापती है, लेकिन जो आपको वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम में क्या हो रहा है, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आंसर आ जा रहा है, डेसिमल बाद 3 डिजिट तक आंसर आ जा रहा है, ठीक। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जो स्केल मेरी एक्यूरेटली नाप पा रही है, क्या डेसिमल के बाद वो दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट तक भी एक्यूरेटली नाप पाएगी, क्या मिलीमीटर स्केल तो नहीं नाप पाएगी, 1 कैलिपर होता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नाप लेती, स्क्रू गेज होता तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नाप लेती, मिलीमीटर स्केल तो एक ही डिजिट तक नाप पा रही है डेसिमल के बाद, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में जो है आंसर में हम लोग डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारी एरर है कि नहीं है, हम लोग आंसर में भी जो है डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक हमको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कॉन्फिडेंस है अपनी मेजरमेंट पे
वो कहां तक है, हमें डेसिमल बाद खाली एक डिजिट तक कॉन्फिडेंस है, दूसरी और तीसरी डिजिट पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो डेसिमल बाद एक डिजिट तक नाप सकता है। तो हमें जो रिजल्ट रिपोर्ट करना है, हम रिजल्ट को कहां तक रिपोर्ट करना है, हम रिजल्ट को डेसिमल बाद हमें एक ही डिजिट तक रिपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या गया, एक रूल बनाया गया कि जब भी क्या करते हो आप जिन मेजरमेंट को लेके आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो रिजल्ट जो आता है रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जिसमें जितना कि कम वाले डिजिट में होते हैं। ठीक है, उस नंबर में जो सबसे कम नंबर, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर होता है उसके नंबर के बराबर हमारा रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितना कि कम वाले में होते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमने मल्टीप्लाई का आदेश क्या किया, हमने मल्टीप्लाई का आदेश 1.2 को हमने 3 बार किया है। इसको ऐसे भी सकते हो ना, इसको ऐसे तो मतलब ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखना कैसे चाहिए, 1.2 into 10 power कितना हो जाएगा, देखो -6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंस हैं, दो ही हैं, तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे जितना कि कम वाले में होते हैं। यहाँ तीनों में ही दो ही हैं, इसमें भी दो, तो रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। अब दो ही रखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अब चार है, चार को हमें दो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट को हम क्या कर दें, इसको हम बोलते हैं इसको क्या कर दो, राउंडिंग ऑफ कर दो, क्या कर दो इसको, राउंडिंग ऑफ कर दीजिए इसको, राउंड ऑफ करके हटा देंगे इसको। तो राउंडिंग ऑफ का अलग रूल बनाया गया कि राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, देखिए राउंडिंग ऑफ क्या बोल रहा है, राउंडिंग ऑफ यानी हाइडिंग पड़ी हुई है, राउंडिंग ऑफ क्या बोल रहा है आपका, राउंडिंग ऑफ बोल रहा है, सपोज करो कि अपने पास क्या है, अपने पास दे रखा है 1.728 दे रखा है, अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, आपको हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे ही हमने उठा लिया। ठीक है, तो जिन दो डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होता है या जिस भी डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है, हम उसी क्या देखते हैं, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, दो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 99, नहीं, दो डिजिट की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13, 14, कहां तक जाओगे, 99 तक जाओगे। बात समझ में आ रही, दो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 99 होगी, नहीं होगी बताओ, तीन डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 999 होगी, नहीं होगी बताओ, मिनिमम कितनी होगी, आप बोलोगे सर 100 होगी, तीन डिजिट की, फोर डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 9999 होगी, मिनिमम कितनी होगी, आप बोलोगे 1000 होगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अब उसे कंपेयर करो, अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ से कम है तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेते हैं, 99, तो हम इसको 99 को 100 मान लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, 99, उसके बाद 100। ठीक, तो 100 के आधे से यानी कि 50 से अगर ये कम है तो क्या कर दो, इसके पहले वाले डिजिट को ऐसे ही छोड़ दो। इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा सिंपली कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आएगी, ये वैल्यू क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दो डिजिट की मैक्सिमम 99 होती है, उसके बाद एक और जाओ कितना, 100 तक जाओ, उसके आधा कितना हुआ, 50 हुआ, क्या 50 से कम नहीं गया, 28, 50 से कम है ना 28, अगर ये 50 से कम है, इसके आधे से कम है, मैक्सिमम वैल्यू के आधा से कम है तो छोड़ दो, बाकी जो पहले वाले छोड़ दो। इसका राउंड ऑफ कितना है, 1.7, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने राउंड ऑफ किया तो 1.7 हो गया, 1.7 किसमें दिखाई दे रहा है आपका, 1.7 दिस द आंसर। इसमें दो और सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यूज ली है, वैल्यूज में जो हमने वैल्यूज में सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, दो ही हैं, और सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं तो सब में दो ही है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें भी तीन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस आपका दिस द करेक्ट आंसर। अरे आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को, बताइए, हेलो, यस सर, ठीक बात, क्लियर एकदम, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए लाइन हिंदी में कि जिन डिजिट्स को हमें राउंड ऑफ करना होता है, लिख लीजिए लाइन आप लोग कि जिन डिजिट्स को हमें राउंड ऑफ करना होता है हम उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होता है हम उनको उनकी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कंपेयर करते हैं,
लिख रहे हैं आप लोग जिन डिजिट्स को? हमें राउंड ऑफ करना होता है, हम उनको उनकी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कंपेयर करते हैं, हम उनको उनकी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कंपेयर करते हैं, अगर वो आधे से कम होती हैं, अगर वो आधे से कम होती हैं, जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, इसकी हाफ कितना हो गया, हमने इसका हाफ हाफ कितना हो गया इसका, ये 50 हो गया, ठीक है, 50 से अगर ये कम है तो क्या कर दो, इसके जो पहले के डिजिट है उनको वैसा वैसा ही छोड़ दो, अगर वो उसके आधे से कम होती हैं तो उसके पहले के डिजिट्स को आप वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए, जिसको राउंड ऑफ करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के आधे से कंपेयर करोगे तो अगर वो उससे कम होती है तो उसके पहले के डिजिट्स को आप वैसा का वैसा ही छोड़ दो, वैसा ही छोड़ दिया हमने। और सपोज करो यही होता अगर 1.7, हमने बोले ये होता कितना होता 1.758 होता कुछ आपका, हमें इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, हमें इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फिर से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी ना, दो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 99+1 100 होगी, ठीक है, उसका आधा कितना होगा 50 होगा, अब देखो इसके आधे से ज्यादा है कम है भाई साहब, उसके आधे से क्या है ये ज्यादा है ना, अगर उसके आधे से ज्यादा है तो उसके पहले की डिजिट को क्या कर दो, एक बढ़ा दो, उसके पहले की डिजिट जिसको राउंड ऑफ जिसको राउंड ऑफ करो उसके जो जस्ट पहले डिजिट है उसको क्या कर दो, एक बढ़ा दो, बढ़ा दोगे तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक बढ़ा दी ना, 1.8 हो गया, नहीं हो गया, अरे आ रहा नहीं आ रहा गाइस, तो अगर जिनको राउंड ऑफ करना होता है उसकी वो वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ से कम होती है तो वैसे ही छोड़ दो, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ से ज्यादा होती है तो उसके पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको सर, अगर एग्जैक्ट हाफ होगा तो? हाँ आ रहे, उस पर आ रहे, ये बात समझ में आई नहीं आई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की हाफ से कम है तो वैसे ही छोड़ दो, मैक्सिमम वैल्यू की हाफ से ज्यादा है तो पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा दो, बढ़ा दो नहीं बढ़ा दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमने बोला ये हमारा मान लो कि कितना है कि ये बोलो कि एकदम एग्जैक्ट हाफ है, जो तुमने बोला 50 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दो डिजिट की है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, 100 का आधा कितना 50, अब ये 50 से बराबर है तो एकदम बराबर है तो क्या करना है, तो आप उसके पहले वाली डिजिट को चेक करते हो, उसके पहले वाली डिजिट को आप क्या करते हो चेक करते हो, हाँ अगर उसकी पहली डिजिट ऑड होती है तो उसको क्या करते हो आप एक बढ़ा देते हो, ठीक है, देखो उसकी पहली डिजिट क्या है ऑड है तो एक बढ़ा दो, क्या लिखोगे इसको, उसको लिखोगे आप 1.8 ही लिखोगे, ये लाइन लिख लीजिए, अगर जिन डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होता है वो मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होती है तो हम लोग उसके पहले वाली डिजिट चेक करते हैं, हम लोग उसके पहले वाली डिजिट चेक करते हैं और अगर वो ऑड होती है तो हम उसको एक बढ़ा देते हैं, एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ लेकिन इंग्लिश में वो बात नहीं है जो हिंदी में, सही है क्या गाइस, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके अब हमने बोला कि हमें ऑड ले लिया, हमें लिया 1.650 ले लिया, हमें इसको राउंड ऑफ करना है, अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100 है, उसके हाफ के बराबर है कि नहीं है, है, जब हाफ के एकदम बराबर होती है तो हम क्या करते हैं उसके पहले वाली डिजिट चेक करते हैं, पहले वाली डिजिट अगर ऑड होती है तो एक बढ़ा देते हैं और पहले डिजिट अगर इवन होती है तो हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कर देंगे इसको, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 1.6 हो जाएगी, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर है तो उसके पहले वाली डिजिट चेक करते हैं, ऑड होती है तो एक बढ़ा देते हैं, इवन होती है तो वैसा ही छोड़ देते हैं, एकदम ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, राउंडिंग ऑफ क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ, राउंड ऑफ कर दो नहीं कर दो बताओ, यस सर कर देंगे, चलो मैं पूछूं आप लोगों से, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग क्लियर होगा, चलो बताओ 1.775 दे रखा है, आपको बताना है कि भैया राउंड ऑफ करो इसको कितना आएगा आंसर, 1.8 वेरी गुड, इसका मैक्सिमम कितना 100, 100 का आधा कितना 50, 50 से ज्यादा है बढ़ा दो, एक बढ़ा दो 1.8 वेरी गुड, हमने बोला कि हमने बोला कि 1.7 1.7328 दे रखा है भाई साहब, इसको मैं राउंड ऑफ करना है बताओ,
बताओ वन पॉइंट सेवन। इसका मैक्सिमम कितना है? 1.7। इसका मैक्सिमम कितना है 3 to 8 का? 1000। वेरी गुड। थ्री डिजिट्स का मैक्सिमम कितना जाएगा? 999। एक और हजार, हजार का आधा कितना? 500। 500 से कम है कि नहीं है? 500 कम है, वैसा ही छोड़ दिया। 1.7। वेरी गुड, समझ में आ रही गाइस? बहुत बढ़िया। मैंने बोला 1.7500 दे रखा है, बताओ भाई। 1.8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू 1000 का आधा 500 के पहले वाला चेक करो, एकदम बराबर है, आधा के बराबर है। पहला चेक करते हैं, ऑड है, बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 1.8 कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने बोला 1.6500 दे रखा है, बताओ भाई। 1.6 कर देंगे गाइस, कर देंगे, यही राउंडिंग ऑफ है। ठीक है, पहला रूल क्या आपका कि हम लोग क्या करते हैं, जिन डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ से कंपेयर करते हैं, कम होती तो छोड़ देते हैं, ज्यादा होती तो एक बढ़ा देते हैं, उसकी पहले वाली डिजिट को, पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, और एकदम एग्जैक्ट हाफ होती है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं उसके पहले वाली डिजिट ऑड है इवन है, ऑड है तो एक बढ़ा दो, इवन है तो छोड़ दो। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए नहीं लिख लिए? मैंने लिखवाया नहीं, आप लोगों ने लिख लिया? हेलो, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ अभी, अभी अभी समझ में आ रहा है, अभी मैं परसों पूछूंगा भूल जाएंगे। ठीक है, नोट्स कॉपी में रहेगा तो याद रहेगा। और इस वाले क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिसमें जितने की कम वाले होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि पहला रूल है आपका क्या, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना की छोटे वाले में होते हैं। ठीक है, जितना कि छोटे वाले में होते हैं, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देंगे इस। चलिए इसमें क्वेश्चन दिखाता हूं तो और क्लियर होगा आपका। कह रहे हैं सपोज करिए आपसे मल्टीप्लाई दिया, करना है आपको 0.000170 इंटू 100.40, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 0.00170 इंटू 100.40 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये उपने बोल दिया, कुछ डिफाइन कर रखा है, कुछ आपका एक्स बराबर ही दे रखा है आपका। ठीक है, तो दो मेजरमेंट थी अपने पास, एक मेजरमेंट ये थी, सपोज करो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, और कोई ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। हमने क्या किया, हमने दो मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 17 चौके कितना हो गया आपको, 68 हो गया ना, 17 चौके 68, 17 0 0 17 कम 17 यही हो जाएगा आपका 17068। क्यों 17068? और कितने डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल। ऐसा तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, सही है क्या? क्यों सही है, यही तो होगा। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि अब बताओ कि हमारा जो है इसका आंसर क्या लिखा जाए। हमने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना कि किसमें होते हैं, कम वाले में होते हैं। कम वाले में बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। वेरी गुड। लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें कितने भाई? 5। वेरी गुड, इसमें 5 है ना, ये ट्रेलिंग है, ये बीच का है, सबसे डिफरेंट है, तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए कि 5 होने चाहिए?
तीन होने चाहिए। रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट होंगे जितना कि छोटे वाले में होते हैं। छोटा वाला कौन है? तीन वाला छोटा है ना। छोटा मतलब छोटा किस सेंस वाला छोटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है, जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो छोटा मतलब। ठीक है, छोटा नंबर नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटा है, तो इसमें तीन है तो रिजल्ट में तीन ही होने चाहिए। रिजल्ट में कितना आ रहा है? पांच आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ। रिजल्ट में कितना आ रहा है? पांच आ रहा है ना। हमें कितना करना चाहिए? हमें तीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे हाँ की ना, बोल नहीं रहे हो? हरी यस सर, बोलिए। यस सर, तो रिजल्ट में तीन ही होना चाहिए। तीन मतलब कितना होना चाहिए? हमें तीन तक रखना है भाई साहब, यानी इन दोनों क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हेलो, हमें रिजल्ट में तीन ही रखना है तो हमें बाकी दो को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करोगे 68 कितना आएगा बताओ? 68 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी भाई साहब? 100 का आधा कितना? 50। 50 से ज्यादा है कम है? ज्यादा। 50 से ज्यादा है तो क्या करोगे? इसके पहले वाले डिजिट क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, घटा दोगे, वही रखोगे? हरी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। वेरी गुड। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ से, 50 से ज्यादा है तो उसकी एक पहले डिजिट को हम लोग बढ़ा देते हैं। कितना हो जाएगा? आपको ये 01 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका? दिस इज द आंसर। अरे ये सॉन हो गाइस। अरे आया नहीं आया? देखो इसमें भी हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, नहीं आ गए? तीन है। छोटे वाले में भी तीन ही थे, इसमें भी कितने होने चाहिए? तीन ही होने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना कि कम वाले में होते हैं। एकदम क्लियर है? बोल नहीं रहे आप लोग? ठीक है गाइस, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहता हूँ, सबूत देर की दे रखा है आपके, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको डिवाइड करना है 2.000 × 10 दे रखा है। कुछ आपका ये 4 है, डिवाइड बाय कुछ आपका दे रखा है 6.0 × 10 कितना दे रखा है? -3 दे रखा है भाई साहब। ठीक है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों को, ट्राई करेंगे एक बार। हाँ ट्राई करिए जल्दी से गाइस, ट्राई करिए। ये 2 है, ये 6 है, 2, 3 या 6 होता है, ये ऊपर चला गया 10^7 हो गया, तो बेसिकली हम इसको लिखेंगे कितना? 1/3 × 10 कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे, लिखेंगे बताओ? 2, 3 या 6, 2, 3 या 6 ना, 2, 3 या 6, 1/3 × 10^7 हो गया। इसको करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 0 डेसिमल लगाए 10 हो गया, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 × 10^7 हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया बताइए? अरे चला जाएगा। कहाँ जाना है इसको बताओ? तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए भाई साहब? आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आपके हिसाब से, बताएंगे? टू। वेरी गुड। इसमें कितने हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 4 है, हाँ कि ना? नहीं, तो मैं इसको, इसमें कितने हैं? 4 है, इसमें 4 है, और इसमें कितने भाई साहब? इसमें कितने हैं? इसमें 2 है। यस और नो? आंसर कितने होने चाहिए? उतने होने चाहिए जितना कि कम वाले में होते हैं, जितना कि छोटे वाले में होते हैं। छोटा वाला कौन है भाई? 2 है, तो इसमें 2 ही होना चाहिए। कहां तक? बाकी सबको क्या कर दो? बाकी सबको हटा दो ना। बाकी सबको हटाओगे, अब जो 3, 3, 3, 3, 3, 3 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मतलब जो है, मतलब 2 को पकड़ लो, जैसे 33 की मैक्सिमम वैल्यू 100, क्या आधा 50 का, 50 से कम। क्यों? 50 से कम। आंसर कितना हो जाएगा? 0.33 × 10^7 कितना हो गया? 7। ऐसा हम लोग कर देंगे, कर देंगे इस, कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कह रहे हैं कि इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस निकालते हैं। वीज को लोहा यार वीर, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
कितनी भाई? तो बोल रहे हैं इज 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट एंड करंट कितना है? एंड करंट इज बोल रहे हैं कितना है आपका? आई इज इक्वल दे रखा है 0.20 एम्पियर, 20 एम्पियर दे रखा है। तो वोल्टमीटर 12.5 वोल्ट नाप रहा है, करंट जो 0.20 एम्पियर आ रहा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा आपसे, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेट द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन करेक्ट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर बताना है। फॉर्मुला में आपको बता देना हूँ, रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, वी अपॉन आई होता है ना, किससे आता है आपका, वी इक्वल आई आर से आता है, वीर ना, वी इक्वल आई आर से आता है। आर इक्वल कितना हो गया, वी अपॉन आई हो गया। तो सर बहुत सिंपल है, वी कितना है 12.5 वोल्ट है, 12.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। आई कितना हो गया आपका 0.20 एम्पियर हो गया, 0.20 एम्पियर हो गया, नहीं हो गया। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा भाई साहब, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? तो 100 अपॉन 25 टाइम्स कर दोगे, 125 फाइव जा कितना हो जाएगा कुछ आपका 625, 62.5 आ जाएगा क्या भाई साहब ना, ओम सही है क्या? हेलो हरी, यस सर सही है क्या आंसर? सही है हमारा, yes, क्या आंसर सही है? अप टू इनकरेक्ट इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको, क्या करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर है ही आपका? बताइए नो सर, क्यों? जो दो से दो वैल्यूज इन्वॉल्व हुई है, एक वोल्टेज हुआ, एक करंट हुआ है। वोल्टेज में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? वोल्टेज में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं है? वोल्टेज में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि करंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, करंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सही है। तो आंसर कितने होने चाहिए, 3 की 2? दो दो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, 5 की मैक्सिमम वैल्यू सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में 10 ना, 9% 10, 10 का हाफ कितना 5, तो बराबर हो गया। तो हाफ एग्जैक्टली बराबर है, तो क्या करते हैं, तो इसके पहले डिजिट चेक करते हैं, इवन है, इवन है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, ऑड होती है बढ़ा देते हैं, याद है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा जब कहीं 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई साहब 62? ओम, यस और नो? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बता, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक ऑप्शन ये दिया रहे, एक ऑप्शन ये दिया रहे, एक ऑप्शन दे दिया जाए कि 63 कर दे, नहीं बता रहे कि मैक्सिमम बच्चे इसे गलत करके आएंगे, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम ही नहीं होता, क्योंकि होता कुछ नहीं, बस सिंपल दो दो तीन रूल्स हैं, हमें याद होंगे, अपने आप कर लोगे, कर लेंगे गाइस, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको जो है उस पर दिखाता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना कम वाले में होते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओवरऑल नहीं देखते, हम लोग डेसिमल के बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं गाइस, तो रूल नंबर हमारा क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले, डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ठीक है।
टोटल नहीं देखते, डेसिमल के बाद वालों को देखते हैं। एडिशन सबट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं जिसमें कम होता है, जिसमें हम बोलते हैं क्या होता है, जिसमें कम होता है किसके बाद, डेसिमल के बाद, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, जिसमें डेसिमल के बाद, क्या मैं समझ जाओगे आप लोग, जिसमें कम होता है, जिसमें कम होता है रिजल्ट में, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर होना होना चाहिए। सही गाइस, यस और नो, रियल में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, सपोज करिए आपको ऐड करना है कि 160.45 प्लस आपको ऐड करना है 6.732 इनको ऐड करना है आपको। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, कैसे ऐड करोगे हमें बताना है, इसके बराबर कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार के तो हमने लिखा 160.45 हमने लिखा, इसको हमने लिखा होगा सबका 6.732 लिखा हमने, इसको लिखा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 7 4 11 7, ये हो गया। सही है क्या, ये हो गया, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग किसके बाद देखते हैं, हम लोग डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। डेसिमल के बाद वाले की बात करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद इसमें कितना है, इसमें कितना है, 2 है ना, यस और नो गाइस। और इसमें कितना है, इसमें डेसिमल के बाद कितना है भाई साहब, इसमें डेसिमल के बाद 3 है कि नहीं है, हाँ कि ना है, yes, तो रिजल्ट में किस कितना आएगा, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, होना चाहिए। हाँ, मतलब जिसमें कम होता है रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसमें कम होता है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, रिजल्ट में डेसिमल के बाद किसका वाला आना चाहिए, कम वाला आना चाहिए ज्यादा वाला आना चाहिए, बताओ कम वाला ज्यादा वाला, कम वाला। तो डेसिमल के बाद 2 ही आना चाहिए, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब बताओ 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, 10 का आधा कितना, 5, 5 से क्या है, 5 से आपका कम है, इसको क्या कर दो, वैसे ही छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 167 पॉइंट कितना, 18, दिस इज द आंसर, यस और नो गाइस, हरी बोलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो मेरे ख्याल से अब बस कुछ नहीं है, अब हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। तो अपना हम लोग सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं क्या है, हाँ जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो कि क्वेश्चन दे रखा है आपको, करना है कि 45 आपका 621 दे रखा है, प्लस आपका 4.3 है, माइनस आपका कुछ आपका 6.41 है, बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ सब लोग बताओ, कैलकुलेटर कोई नहीं यूज करेगा, मैं कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते हो क्योंकि आप लोग एग्जाम में खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग कर रहे होंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन करना नहीं चाहिए। कितना आ रहा है भाई साहब, ये आपका आ रहा है 43.51 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, और तो रिजल्ट में कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है ना, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, रूल वही है कि रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे जितना कि जिसमें कम होता है, जिसमें कम होता है रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आपका, आएगा। बताइए भाई साहब, 33.5। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद कितना है, 3 है, इसमें डेसिमल के बाद कितना है, 1 है, इसमें डेसिमल के बाद कितना है, 2 है, बताओ कितना आएगा, 1 की 2 की 3, सर 1, 1, वेरी गुड, 1 ही आएगा, कम वाला जिसमें कम आता है, डेसिमल के बाद 1 ही है तो उसमें भी 1 ही आएगा, तो बाकी तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा भाई,
बाकी दो को हटाना पड़ेगा, 11 को हटाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, दो को हटाओ, 11 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 100 का आधा 50, 50 से कम, बाकी सबको ऐसे छोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा भाई अप्रोक्सीमेटली कितना, 43.5 आंसर। अरे कर देंगे नहीं कर देंगे बताइए गाइस, कर देंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, और पूछूं क्या आप लोगों से प्रैक्टिस के लिए, बताओ कुछ है नहीं दम ज्यादा, चलो बता दो जल्दी से, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ देखेंगे आईटी जेई में जो क्वेश्चन आए आपके वो देखते हैं। देखिए साल 2019 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल 2019 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन होगा जेई 2019 में आया हुआ है, जेई मेन में, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज बोलना है कि 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपका, ठीक, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स क्वेश्चन में दे दिया है साफ साफ, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द, जरूरी नहीं कहीं हमेशा दिया हो कि जब बोलेंगे तभी, अगर मान लो आपके एकदम क्लोज ऑप्शन दिख रहे हैं और तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आपको देखना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, टेकिंग अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स, ऑप्शन दे रखा आपसे 37.030 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा आपको 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा आपको 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा आपको 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राई करेंगे इस ऑप्शन सी, सी द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29, देरी ऑफ 7 सच स्क्वायर्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे 7 स्क्वायर्स का मल्टीप्लाई करोगे एरिया, एरिया कितना हो जाएगा डैश, तो 7 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, 7 इनटू 1 का एरिया कितना है आप बोलोगे 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 9 जा 63 6 7 जा 14 6 20 0 2 35 37 सही है क्या गाइस, 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। अब देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया है तो अब इसमें ये नहीं है सर, 7 में तो सर डेसिमल के बाद है ही नहीं कुछ, तो 7 का तो सेंटीमीटर तो 0 हो गया, क्या करना है, हमने इसमें बताया था जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप तरह से आप 5.29 इंटू 5.29 को 7 बार आपने मल्टीप्लाई किया, 5.29 तो आंसर में भी क्या होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो उसमें कितने कितने फिगर्स हैं आपके, 3 है, उन्होंने बताया था मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जितना कम वाले होते हैं, तो कम क्या, सब में तो 3 ही है, 3 ही है तो रिजल्ट में भी 3 ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए रिजल्ट में 3 ही होना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा बताओ, रिजल्ट में 3 ही होना चाहिए, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सो राउंड ऑफ करोगे 3 की मैक्सिमम वैल्यू 10 का आधा 5 से क्या है कम है, तो वैसे ही छोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा 37.0 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है क्या, बी इज द, हेलो सही एकदम क्लियर है, ठीक है, ये नहीं मतलब कि यहां 37.03 कर दिया एकदम, तो आपको रिजल्ट को भी आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना होगा, 7 तो मतलब ये हो गया 5.29 को आपने 7 बार मल्टीप्लाई किया, 7 को नहीं देखना है, 5.29 को 7 बार करना है, इस तरह से करना है, ठीक ना, चलिए और देखते हैं गाइस, चलिए एक क्वेश्चन देखिए और आया था आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये जो देखिए जेई में आया है 2019 में ही आया है,
ठीक है, द डायमीटर एंड हाइट, ऐसे लिखता नहीं हूं, ऐसा समझा देता हूं, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर नापा गया और हाइट नापी गई, ठीक है, ठीक है, डायमीटर कितना आ रहा है बता रहे हैं, 12.6, 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, हाइट कितनी आ रही है इसकी, 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, सही है, सही है। करें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बताना है आपको। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 4300 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, बी 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 4264.4, 4264.4 ठीक है, प्लस माइनस 81 सेंटीमीटर क्यूब, 81.0, 81.0 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी दे रखा है, 4264, 4264 प्लस माइनस 81 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बताइए, ट्राई करेंगे, दिस 4264.4 वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जब पाई आर स्क्वायर टाइम्स वैल्यू होता है भाई, या डायमीटर दे रखा है तो इसको हम ले सकते हैं जब का डायमीटर रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ हो जाता है जब का, ठीक ठीक, तो इसको हम ले सकते हैं जब का पाई टाइम्स ऑफ डी बाई टू का स्क्वायर किया, पाई डी स्क्वायर बाई फोर टाइम्स ऑफ वैल्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही है, इसकी रखी हमने वैल्यू पाई इंटू डी, डी कितना दे रखा है, 12.6 दे रखा है, तो 12.6 सबको सेंटीमीटर में का स्क्वायर कर दिया, इंटू एल कर दिया, एल आपका 34.2 दे रखा है कुछ आपका, डिवाइड बाई आपको 4 दे रखा है, सही है क्या, यही है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको हम लोग, तो हमने बोला कि पाई इंटू 12.6 का स्क्वायर, 12.6 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 34.2, 34.2 ठीक है, डिवाइड बाय कितना हमने कर दिया, 4 कर दिया, जब का आ रहा है 4264.3916, जब का आ रहा है 4264.3916 आ रहा है, सही है क्या। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चल रहा है, तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है, जितना कि सबसे कम वाले में होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से आपके मेजरमेंट इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका डायमीटर हुआ है, दूसरा लेंथ हुआ है, डायमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, हम बोल रहे हैं कि आपका 1, 2, 3, और हाइट में भी कितने हुए आपके, 3 ही हुए, तो रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, रिजल्ट में भी आपका 3 ही होना चाहिए, रिजल्ट में 3 ही होना चाहिए, अब रिजल्ट में 3 ही होना चाहिए, तो 3 किस में दिख रहा है आपको बताओ, यानी रिजल्ट में 3 ही रखना है ना, यानी सबको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा इसको, मतलब खाली ये 3 रहना चाहिए, मतलब बाकी इसको सबको क्या कर लें, इन सबको क्या कर लें, इन सबको राउंड ऑफ कर दें, नहीं कर दें, 4.3916 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा भाई साहब, हम बोल सकते हैं एक तरह से 43916 के मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, हम बोले 1,00,000, क्यों 43916 का हम बोले मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आपका, 1,00,000 हो गया, तो हम बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे कर लो पहले, तो
ठीक, 29 में 6 है, तो हमें तीन रखना है, तीन रखना है, तो इसमें कितना आ रहा है, पांच आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, इसमें चार आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत ही हो गए। इसमें कितना आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है आपका, इसमें दो ही आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन यही लिख जा रहा है, सीधे हमारा क्या हो गया, बी हो गया, नहीं हो गया, बोलिए, क्योंकि इसमें डेसिमल है नहीं, ट्रेलिंग जीरो हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर होता है, तो हम बोले हमारा कितना बचा आपको 4 to 6 है, तो इसमें कितने आपके तीन इनसिग्निफिकेंट नंबर हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे देखना चाहते हो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि 3916 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 3916 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10,000, नहीं 10,000 का आधा 5,000, 5,000 से कम है, तो इसका मतलब कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला 4 to 6 4। अब 4 to 6 4 में आप, अब 4 to 6 4 में आपको 4 वे करना है। अच्छा देखो, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 4 to 6 पॉइंट, पॉइंट क्या कर लो आप, कर लो 4 3 4 3 9 1 6 कर लो आपने, आपने क्या किया 4 को भी डेसिमल के बाद भेज दिया, डेसिमल के बाद भेजा है, तो आपको एक 10^1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई, ऐसे कर सकते हो इसको। अब इसको एक साथ क्या कर लो, आप कर लो राउंड ऑफ कर लो, 43,916 है, 43,916 है, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 का आधा 50,000, 50,000 से कम है, तो मतलब बाकी सबको ऐसे छोड़ दो, कितना हो जाएगा 426 हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाला सब कर दिया हमने, तो मतलब जो कुछ बचा ही नहीं है आपका, और इंटू कितना हो गया 10^1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कुछ आपका। अब आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 4 to 6 0 कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इज द आंसर। क्लियर है आप लोगों को गाइस? हेलो, Yes, अगर बोलोगे नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं YouTube पे क्लास लूंगा, मैं फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा, मैं लाइव क्लास बंद कर दूंगा, तुम अगर बोलना नहीं शुरू किया तो। हेलो, सुन रहे हो? Yes. सही है एकदम। ये क्वेश्चन आपका क्या, कोई जेई 2019 में भाई 2019 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल एकदम, तो हमने क्या देखा, एडिशन सबट्रैक्शन में क्या करते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, जिसमें कम होता है वो लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग ओवरऑल देखते हैं, जिसमें कम होता है उसका लेते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद नहीं देखते हैं, उसमें टोटल देखते हैं, जिसमें कम होता है उसका काउंट करते हैं। ये हो गया आपका एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हमने जो था सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखते हैं, तो हमने बताया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और एनी जीरो लाइन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस, ठीक है, जो शुरुआत में आते हैं, और ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट इफ नंबर डज नॉट हैव एनी डेसिमल, एंड ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल, ठीक है। और यूनिट चेंज करने पे क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको आप जो है एक दो तीन बार देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी जो है मैं ये आज आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को एक डीपीपी भेजूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ओके सर। इस क्वेश्चन में प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आएगा, प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, तो डायमीटर हमारा है उसमें 0.1 सेंटीमीटर है, इसमें 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई कि सर ये कैसे आया। हाँ दो ऑप्शन दे रखा होता, एक में देखा 4 to 6 0 प्लस माइनस 80, एक में देखा 4 to 6 0 प्लस माइनस 81 दे रखा होता, कौन सा ऑप्शन सही होता आपका। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आपका भाई, इसमें जाना पड़ेगा कि भैया कि वॉल्यूम का ये फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका एरर वाला पार्ट है, तो हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ चुके हैं, एरर एनालिसिस में हम लोग जो है कैलकुलेटेड वैल्यू में कितनी एरर होगी वो वॉल्यूम निकालना सीख चुके हैं, तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा कितना, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा कुछ, डिफरेंशिएशन से, हाँ भाई पहले लॉग लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप लोग वॉल्यूम एरर निकालोगे, पाई डी स्क्वायर बाई एल इंटू 4 लिखा नहीं लिखा, यही है फॉर्मूला, ठीक। आपने लॉग लिया, लॉग लिया तो कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ वी इज इक्वल टू एल एन ऑफ पाई बाई 4 प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ डी हो जाएगा, प्लस आपका एल एन ऑफ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हाइट लिया है, यहाँ पे उसको मैं एल बोल दे रहा हूँ, ठीक है एल बोल दे रहा हूँ, 2 एल एन डी प्लस एल हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कितना हो जाएगा, कहीं हो जाएगा कुछ अगर डी वी अपॉन वी,
वन अपॉन वी इंटू डी वी, दिस थिंग कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाता है आपका, टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन डी इंटू कितना डी, डायमीटर को मैं कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगी, कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ, कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक कैपिटल डी बोल दे रहा हूँ, ठीक 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 तो उन्होंने बोला कि वन अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा इंटू डी ऑफ कैपिटल डी प्लस वन अपॉन एल हो जाएगा इंटू डी एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हमें डी वी निकालना है, एरर मतलब वॉल्यूम लोग निकाल चुके हैं, वॉल्यूम हमारा कितना है आपका, ये है 4.64 पॉइंट एम निकाल चुके हैं, तो हमें डी वी निकालना है, अब सब रखते चले जाओ, टू अपॉन डी, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपका 12.6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो नया वैल्यू रख दी उठा के, तो ये हो जाएगा कुछ 12.6 सेंटीमीटर इंटू डी डी, डी डी इज द एरर इन मेजरिंग डायमीटर, वही क्या होता है वो लीस्ट काउंट होता है जो अलग से दिया रहता है, कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस वन अपॉन एल, स्मॉल एल कितना है, स्मॉल एल आपका 34.2 सेंटीमीटर है, इसको हम लिखेंगे कुछ आपका हो जाएगा 34.2 सेंटीमीटर इंटू डी एल, डी एल इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ दैट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो हमने उठा के रख दिया, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है गाइस, डी वी अपॉन वी, वी के लिए हमने वी को हम लोग यही रखेंगे लास्ट में, सब हम लोग राउंडिंग राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है, 4264.3916 हमने रख दिया उठा के, हमने यहाँ रख दिया 4264 पॉइंट, हमने कितना कर दिया, ये हमने कर दिया कुछ आपका 3916 कर दिया, सही है गाइस, 3916 कर दिया, ठीक, अब तो सॉल्व कर लो, 2.12.6 प्लस 1.34.2, 0.1 0.1 हमारा कॉमन हो गया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, तो 2 डिवाइडेड बाई 12.6 प्लस 1 अपॉन 34.2 ये आ गया इतना इंटू 4264.3916 ये आ गया इंटू 0.1 कर दिया, तो ये आपका आ रहा है 80.1577 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से डी वी वैल्यू कितनी आ रही है, मैं ऊपर लिख दूँ क्या, डी की वैल्यू आ रही है 80.15, ठीक है 77369 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, ये आ रही है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, सही, अब देखो इसमें, देखो इसमें भी ये है कि भैया एरर्स में कितना लीस्ट काउंट है, एरर्स में लीस्ट काउंट कितना है, एक ही है, ओ सॉरी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना, एक ही ना डेसिमल के बाद एक, इसमें भी डेसिमल के बाद एक, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट होना एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबको हटा दें, इन सबको राउंड ऑफ कर दें, नहीं कर दें, तो सर कितना है, 1 2 3 यूनिट 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख 15 लाख, 15 लाख का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ का आधा कितना 50 लाख, 50 लाख से कम है कि नहीं है, 50 लाख से कम है, छोड़ दिया वैसे ही छोड़ दिया, कितना हो जाएगा, जब 80 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, नहीं आ गया भाई साहब, सही है, तो दिस इज वॉट, दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, दैट्स वाई 80 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग रिपोर्टिंग ऐसे ही करते हैं ना, कि मतलब जो आपकी वैल्यू आती है प्लस माइनस जो आपकी एरर होती है, प्लस माइनस जो आपकी क्या होती है, एरर होती है, सही है, हेलो, ठीक है गाइस, यस सर, ठीक है गाइस, तो आज में इतना ही करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय, see you.